बिलासपुर पहुंचने पर जहां पर कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर का स्थानीय कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया, वहीं पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कुलदीप राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। बिलासपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हस्तक्षेप न करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री उसका ध्यान छोड़कर अपनी पार्टी के बारे में सोचें। उन्होंने जयराम ठाकुर के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर को ज्वालाजी में भाजपा कार्यकर्ताओं में आपसी लड़ाई को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन में थोड़े बहुत मनमुटाव होते रहते हैं जिन्हें पार्टी मिल बैठकर सुलझा लेती है। उन्होंने कहा कि शिमला में जो घटना हुई है उसका उन्होंने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। छोटी मोटी घटनाएं हुई, हमने उसका संज्ञान लिया और अगर कोई अनुशासनहीनता या इस तरह का प्रयास है उसको हम सख्ती से दबाने का प्रयास करेंगे। रही बात जो जयराम ठाकुर जी ने कहा, वो उस बात को याद रखें कि ज्वालामुखी में क्या प्रकरण हुआ था, जब आपस में जो है जूतों में दाल बटी, सिर्फ फोटोवॉल हुआ, एक दूसरे पे थूका गया और मोदी जो प्रभारी थे ज्वालामुखी गए, उनके साथ क्या बर्ताव हुआ। सबसे पहले नसीहत देने से पहले वो अपने संगठन और अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा जयराम जी को कि मजबूत विपक्ष का सामना उनको करना पड़ेगा। वो अपना सरकार चलाएं, कांग्रेस में क्या करना है वो हमारा काम है, वो जयराम का काम नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी का काम है। कुलदीप राठौर ने भाजपा की केंद्र सरकार पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है और किसान, बागवान, आम लोग मोदी सरकार की नीतियों से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में हिमाचल में भाजपा को खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा और कांग्रेस यहां के चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सत्ता विरोधी रुझान जो है केंद्र सरकार के खिलाफ, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिए, आज समाज का हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, महिला हो, हमारे जो है किसान हो, बागवान हो, छोटे व्यापारी हो, हर वर्ग उनके खिलाफ है। आज देश की अर्थव्यवस्था का उन्होंने तहस नहस कर दिया, जीएसटी और नोटबंदी जैसे गलत निर्णयों को लेकर, महंगाई चरम सीमा पे, रक्षा सौदों में घोटाले हुए। आज सरकार जो है चंद पूंजीपतियों की गिरफ्त में, उसी तर्ज में हिमाचल प्रदेश सरकार एक नाकाम सरकार रही है। पिछले एक वर्ष में धरातल में कोई तरक्की का काम नहीं दिख रहा है। कानून व्यवस्था के बहुत बुरे हाल हैं प्रदेश में, आए दिनों हत्याएं, बलात्कार, चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं, युवा नशे के गिरफ्त में जा रहे हैं और ये सरकार नशा रोकने में, नशे का व्यापार रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब सिद्ध हुई है। जो भी काम जिनके उद्घाटन हुए वो काम कांग्रेस सरकार, वीरभद्र सिंह सरकार के समय के काम है। कुल मिलाकर ये सरकार हर मोर्चे पे सफल हुई है और मुख्यमंत्री जो है स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। लोग बैठे हैं वो पहले नागपुर से आदेश लेते हैं, उसके बाद जो है सरकार में निर्णय होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा उसी तरह जो चार मौजूदा सांसद हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन सांसद के रूप में ढंग से नहीं कर पाए, उनके खिलाफ भी जो मैंने देखा सत्ता विरोधी रुझान है। और हिमाचल प्रदेश में मुझे राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी दी है, मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है और मैं पार्टी को एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतारने का जो मेरा संकल्प है इसमें मैं पूरी तरह से कामयाब हूँगा। जैसा मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम चारों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे।